ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 22 करवाए जा रहा है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले है इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। सो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर गिविन है, वो है प्राइस टेकिंग, प्रोडक्ट होमोजेनिटी और इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। सो एक एक करके देखते हैं इनको। प्राइस टेकिंग का क्या मतलब ही है? सो इंडिविजुअल फर्म्स जो के सेल करती हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म्स के पास स्मॉलर पोर्शन होता है टोटल मार्केट आउटपुट का, यानी कि जो सेल कर रही होती हैं वो स्मॉल पोर्शन होता है टोटल मार्केट के आउटपुट का, और इसी वजह से उनके पास पावर नहीं होती कि वो इन्फ्लुएंस करें मार्केट प्राइजेस को। और इंडिविजुअल कंज्यूमर जो होते हैं उनका भी मिनिमल इम्पैक्ट होता है मार्केट प्राइजेस के ऊपर, क्योंकि स्मॉल शेयर होने की वजह से इंडस्ट्री के आउटपुट का। और प्रोडक्ट होमोजेनिटी का क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट होती हैं तमाम फर्म्स की वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑयल है, कॉपर है, आयरन है और लंबर है। उसके बाद है फिर के फ्री एंट्री और एग्जिट। सो बायर जो है वो इजीली स्विच कर सकते हैं सप्लायर्स के दरमियान, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर तक इजीली स्विच कर सकते हैं, और सप्लायर जो है वो इंटर या एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से आसानी के साथ। और जो पॉसिबिलिटी है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की, उसमें पहला है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सो ये जो स्ट्रेटजी है कोशिश करने की कि इंक्रीज किया जाए कंपनी का टोटल रेवेन्यू। और उसके बाद है फिर डिविडेंड मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसके जरिए कोशिश की जाती है इंक्रीज करना कंपनी के डिविडेंड जो उसके शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसी स्ट्रेटजी जिसके जरिए कोशिश किया जाता है कि इंक्रीज किया जाए कंपनी के प्रॉफिट को शॉर्ट रन के अंदर। नाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स। सो कंपनी को ज़रूरत होती है कि वो करें प्रॉफिट यानी कि बनाएं ताकि वो सर्वाइव करें लॉन्ग रन के अंदर, और इन्वेस्टर जो है जाहिर बात है सपोर्ट नहीं करेंगे कंपनीज को अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पाती। सो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक वैलिड जो है वो बिजनेस मॉडल है, और कंपनीज जो है वो स्टिल इंगेज हो सकती हैं एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में, इवन के वो कोशिश कर रही है मैक्सिमाइज करना जो है प्रॉफिट। सो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल रेवेन्यू होता है जो प्रोड्यूस करने से आता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने से आउटपुट के। और मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट आती है जो प्रोड्यूस करने से, एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने से आती है। सो द कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस टेकर है, मार्केट आउटपुट क्यू है, और जो फर्म आउटपुट है वो स्मॉल क्यू है, मार्केट डिमांड जो है वो डी है और फर्म डिमांड स्मॉल डी, आर क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो चूजिंग आउटपुट इन शॉर्ट रन। सो कंबाइन करेंगे हम जो है वो प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस को डिमांड के साथ ताकि डिटरमाइन करें आउटपुट और प्रॉफिटेबिलिटी। सो कंपनीज जो है वो कंबाइन कर सकती हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस को डिमांड के साथ ताकि डिटरमाइन करें ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट, और जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट होता है ये लेवल ऑफ आउटपुट होता है जो कि मैक्सिमाइज करेगा कंपनी के प्रॉफिट्स को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर